हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम आईएसपीसी सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 70वीं बीपीएसएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे। यह जो टेस्ट सीरीज होगा वह इंडियन पॉलिटिक्स सब्जेक्ट से संबंधित है। इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जो प्रश्न लिए गए हैं वह पूरी तरह से एनसीईआरटी के बुक पर आधारित है। तो आइए अब टेस्ट सीरीज को हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। देखिए, इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जो A1 प्रश्न संख्या 1 से लेकर 60 नंबर तक जो प्रश्न है वह मई जून 2023 ईस्वी का करेंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न है, और जो 70वीं बीपीएसएससी की परीक्षा आयोजित की जाएगी उसमें 2023 से संबंधित करेंट से प्रश्न संभवतः नहीं पूछे जाएंगे। इसीलिए हम लोग प्रश्न संख्या 61 से आज डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, जो 61 नंबर प्रश्न है वह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। प्रश्न है, वित्तीय आपात की उद्घोषणा का संसद द्वारा कितने महीनों में अनुमोदित होना आवश्यक होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात संसद द्वारा 2 माह के अंदर उस वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को पारित करना जरूरी होता है। 62 नंबर प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला है, अब तक वित्तीय आपातकाल भारत में 1 बार लागू किया गया है, बिल्कुल गलत है। दूसरा, वित्तीय आपात अधिक से अधिक 3 वर्ष तक रह सकता है, यह भी गलत है। तीसरा, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद से सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, यह सही है। अब प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात केवल और केवल 3 नंबर स्टेटमेंट। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वाला प्रस्ताव 1 बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो गया हो तो अधिकतम कितने माह तक आपातकाल जारी रह सकता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अधिकतम 6 माह तक आपातकाल को जारी रखा जा सकता है, लेकिन संसद द्वारा यदि पुनः उसे स्वीकृति मिल जाती है तो अधिकतम 6 माह तक पुनः आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है। तो प्रश्न है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वाला प्रस्ताव 1 बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित हो गया हो तो अधिकतम कितने माह तक आपातकाल जारी रह सकता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 6 माह। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आप सारे लोग जानते होंगे कि भारतीय संविधान में जो आपातकालीन उपबंध है वह जर्मनी के बाइमर संविधान से लिया गया है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही। दूसरा है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में दिए गए सशस्त्र विद्रोह शब्द को आंतरिक अशांति शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया। देखिए, यह जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह गलत है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन जो 1978 ईस्वी में हुआ था इसके अंतर्गत, यानी कि 1978 ईस्वी के पूर्व यदि बात करें तो जो आर्टिकल 352 है इसके अंतर्गत 3 आधारों पर आपातकाल को लागू किया जा सकता था। पहला था युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, और जो तीसरा था वह था आंतरिक अशांति। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा इस आंतरिक अशांति शब्द को 1978 ईस्वी में सशस्त्र विद्रोह शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया, यानी कि जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। तो प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन से कथन सत्य है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल और केवल 1। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है संविधान के भाग 18 में, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यदि अन्य विकल्प की बात करें तो यदि भाग 14 की बात करते हैं तो भाग 14 जो है वह लोक सेवा आयोग का उपबंध करता है, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग आते हैं। इसके अलावा यदि भाग 20 की बात करें तो जो भाग 20 है वह संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करता है, और यदि भाग 16 की बात करें तो देखिए, यह जो भाग 16 है वह कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात करता है। तो प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है, तो भाग 18 में आपातकालीन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। और इससे संबंधित यदि कुछ प्रमुख आर्टिकल की बात करें तो देखिए, जो इससे संबंधित कुछ प्रमुख आर्टिकल हैं 352, 356
और 360 यदि 360 की बात करें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल की बात करता है, और यह जो 356 है वह राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात करता है, और यह जो 352 है वह युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की प्रावधान करता है। यानी कि इन तीन के आधार पर भारत में अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जा सकता है। तो प्रश्न है कि किस भाग में आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत कथन का चयन करें। पहला है अनुच्छेद 356 के प्रयोग के उपरांत राष्ट्रपति राज्यों की कार्यपालिका शक्तियां अपने हाथ में ले सकती हैं, बिल्कुल सही। दूसरा, अनुच्छेद 356 के प्रयोग के बाद राष्ट्रपति राज्यों की विधायी शक्तियां अपने हाथ में ले सकते हैं, बिल्कुल सही। तीसरा है अनुच्छेद 356 के प्रयोग के बाद राष्ट्रपति राज्यों की न्यायिक शक्तियां अपने हाथ में ले सकते हैं। देखिए यह जो तीसरा नंबर है स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि न्यायिक शक्तियां राज्यों की न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति अपने हाथ में नहीं ले सकते। यानी कि प्रश्न कर रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1 एवं 2 दोनों। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है। पहला, राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक उद्घोषणा इंदिरा गांधी के प्रथम शासन में हुई, बिल्कुल सही। दूसरा, प्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा चीनी आक्रमण के कारण हुई थी, यह भी सही है। आप सारे लोग जानते होंगे कि पहली बार भारत में आपातकाल 1962 ईस्वी में ही लगा, इसके बाद दूसरी बार आपातकाल 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध के समय लगा, और तीसरी बार आपातकाल भारत में 1975 ईस्वी में आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है कि वर्ष 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तत्कालीन मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर की गई थी। देखिए यह जो तीसरा नंबर स्टेटमेंट है वह गलत है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न की तरफ अब हम लोग चलते हैं। देखिए जो 69 नंबर प्रश्न है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी वित्त विधेयक किसके विचार के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। तो आप सारे लोग जानते होंगे कि यदि वित्तीय आपातकाल के दौरान किसी राज्य विधानमंडल द्वारा कोई यदि विधेयक पारित किया जाता है तो उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रखा जा सकता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन के तहत जारी उद्घोषणा को कितने महीनों के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2 महीने के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना यानी कि स्वीकृति देना आवश्यक है। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें एवं असत्य कथन यानी कि गलत कथन का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा के साथ ही विधानसभा भंग हो जाती है। देखिए अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा के साथ नहीं, बल्कि यदि इसे संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद संसद द्वारा स्वीकृति मिलने के उपरांत विधानसभा भंग होती है, तो जो पहला नंबर स्टेटमेंट हो गया वह गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा की मंजूरी के बाद ही राष्ट्रपति विधानसभा को भंग कर सकता है, यह जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह। देखिए संसद द्वारा अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा की मंजूरी के बाद ही राष्ट्रपति विधानसभा को भंग कर सकता है, जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह सही है। तो प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात केवल और केवल 1। नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय लोकसभा भंग हो जाती है और राज्यसभा ने उस उद्घोषणा को मंजूरी दे दी है तो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से कितने दिनों के भीतर उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता है लोकसभा द्वारा यानी कि यदि लोकसभा द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तो जो आपातकाल की व्यवस्था है वह कितने दिनों के उपरांत स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, तो 30 दिनों के उपरांत वह उद्घोषणा है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 73 नंबर प्रश्न है, प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए चुनाव आवश्यक माने जाते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, यह लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने और उन्हें बदलने में मदद करता है, बिल्कुल सही है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न है,
किसी सदस्य की मृत्यु या त्याग पत्र के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए केवल एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो चुनाव होते हैं उस चुनाव को किस नाम से जाना जाता है। तो सपोज यदि किसी क्षेत्र की किसी विधानसभा या किसी लोकसभा के क्षेत्र में यदि किसी सांसद या विधायक की मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के उपरांत जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है। तो जो लोकसभा के प्रतिनिधि होते हैं उन्हें संसद सदस्य के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 76 नंबर प्रश्न है, महिला उम्मीदवारों के लिए ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में, ध्यान दीजिएगा प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। यदि 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसके अंतर्गत जो ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत का प्रावधान किया गया इसमें महिलाओं के लिए मुख्य रूप से 1/3 सीटें रिजर्व की गई थी। महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत दोनों में 1/3 सीटें यानी कि 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी। तो यही प्रश्न कह रहा है कि महिला उम्मीदवार के लिए ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1/3 सीटें। नेक्स्ट 77 नंबर प्रश्न है, जो लोग वोट देने के पात्र होते हैं उनकी सूची क्या कहलाती है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एवं ऑप्शन नंबर बी दोनों। तो इस कारण ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में एक से अधिक हम लोग इसका एक एग्जैक्ट आंसर बता सकते हैं। तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपरोक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट 78 नंबर प्रश्न है, मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। पूर्व में यह 21 वर्ष की आयु थी लेकिन इसे घटाकर राजीव गांधी के समय में इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो प्रश्न कह रहा है कि मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 18 ईयर्स। नेक्स्ट प्रश्न है, चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को निम्नलिखित में से क्या आवश्यक माना जाता है। देखिए ऑप्शन ए है धन सुरक्षा जमा, बिल्कुल सही। बी है संपत्ति और देनदारियों का वितरण, यह भी सही है। और सी है शैक्षणिक योग्यता, यह भी सही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, चुनाव के दौरान किसी पार्टी या उम्मीदवार के लिए इनमें से क्या निषिद्ध है। निषिद्ध मतलब मनाही यानी कि क्या प्रतिबंधित है। ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है एक विधानसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 2 लाख से अधिक खर्च करना, बिल्कुल सही। दूसरा है रोजगार के नाम पर लोगों से अपील करना, यह भी सही है। लेकिन तीसरा है मतदाताओं को धमकी देना। देखिए एक कोई भी प्रतिनिधि इस कार्य को नहीं कर सकता यानी कि मतदाताओं को डरा धमकाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील नहीं कर सकता। तो प्रश्न कह रहा है कि इनमें से क्या निषिद्ध यानी कि प्रतिबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात मतदाताओं को धमकी देना। नेक्स्ट 81 नंबर प्रश्न है, आदर्श आचार संहिता के अनुसार इनमें से क्या कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा नहीं किया जा सकता। पहला है सरकारी वाहनों का उपयोग करना, बिल्कुल सही है। किसी भी प्रतिनिधि या किसी भी राजनीतिक दल को उम्मीदवार द्वारा सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं किया जा सकता। दूसरा है चुनाव प्रचार के लिए किसी भी पूजा स्थल का उपयोग करना, बिल्कुल यह भी नहीं किया जा सकता है। सॉरी तीसरा है चुनाव की घोषणा होने के उपरांत मंत्री कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे, यह भी सही है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 82 नंबर प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति निम्न में से किनके द्वारा की जाती है। देखिए यह जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस कारण है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एक विधेयक लाई थी, उस विधेयक के आधार पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को परिवर्तित कर दिया गया। तो प्रश्न कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात भारत के राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो चयन समिति के आधार के उपरांत मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति की जाएगी तो इस चयन समिति में कौन कौन से सदस्य होंगे। इस चयन समिति में मुख्य रूप से 3 सदस्य होंगे जिनमें कि पहला होंगे प्रधानमंत्री, दूसरा होंगे गृह मंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई कैबिनेट मंत्री, और तीसरा है लोकसभा में या तो विपक्ष का नेता या सबसे बड़े दल का नेता।
तो आप लोग इसे याद रख लीजिए, याद कर लीजिएगा कि चयन समिति में मुख्य रूप से 3 सदस्य होंगे, जिनमें पहला प्रधानमंत्री, दूसरा गृह मंत्री या कोई कैबिनेट मंत्री, तीसरा लोकसभा में विपक्ष का नेता या सबसे बड़े दल का नेता। तो प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 83 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी शक्ति चुनाव आयोग की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं हम लोग। यह आचार संहिता लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को दंडित करता है, बिल्कुल यह चुनाव आयोग का कार्य है। दूसरा, यह चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है, यह भी सही है। तीसरा, यह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। देखिए, यह जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग प्रधानमंत्री की नियुक्ति बिल्कुल नहीं करता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न की तरफ अब चलते हैं। देखिए, जो 84 नंबर प्रश्न है वह प्रतिनिधि लोकतंत्र से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत कथन का चयन करें। पहला है, प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए चुनाव आवश्यक माने जाते हैं, बिल्कुल सही। दूसरा, चुनाव मतदाताओं को विकल्प चुनने में मदद करता है, यह भी सही है। और तीसरा है, चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, यह भी सही है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2 और 3, उपर्युक्त तीनों। नेक्स्ट 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत कथन का चयन करें। पहला नंबर स्टेटमेंट है, विधानसभा 5 वर्ष की अवधि के उपरांत भंग हो जाती है, बिल्कुल सही। दूसरा नंबर प्रश्न है, विधानसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए, यह विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि यह लोकसभा चुनाव के लिए संपूर्ण देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट हो गया वह गलत हो गया। तीसरा है कि किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए केवल एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए होने वाले चुनाव को उपचुनाव कहा जाता है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एवं 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत कथन का चयन करें। पहला है, विधानसभाओं के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि को विधानसभा का सदस्य कहा जाता है, बिल्कुल सही। दूसरा है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में उस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कोई भी व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। देखिए, उस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कोई भी व्यक्ति नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति से ही संबंधित कोई व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। यानी कि जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट हो गया वह गलत हो गया। तीसरा है, महिला उम्मीदवारों के लिए ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 2/3 सीटें, देखिए 2/3 सीटें नहीं बल्कि 1/3 सीटें ही आरक्षित की गई हैं। यानी कि तीसरा नंबर भी जो स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह सही है। उसके आधार पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल और केवल 1। नेक्स्ट 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही विकल्प यानी कि सत कथन का चयन करना है। पहला है, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति चुनाव में मतदान कर सकता है, बिल्कुल सही। कोई भी व्यक्ति चुनाव में मतदान कर सकता है, मतदान करने के लिए किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया गया। दूसरा कह रहा है कि पार्टी के नामांकन को पार्टी टिकट के नाम से भी जाना जाता है, यह भी सही है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट 88 नंबर प्रश्न है, उम्मीदवारों के नामांकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत कथन का चयन करें। पहला है, चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जमानत के तौर पर कुछ पैसे देने पड़ते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपने परिवार की संपत्ति और देनदारियों का पूरा विवरण देना होगा और जानकारी सार्वजनिक करनी होगी, यह भी सही है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट 89 नंबर प्रश्न की तरफ अब चलते हैं। देखिए, जो 89 नंबर प्रश्न है वह भी चुनाव आयोग से ही संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही कथन का चयन करें। पहला है, हमारे देश में चुनाव अभियान उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा और मतदान की तारीख के बीच 3 सप्ताह की अवधि के लिए 3 सप्ताह की अवधि का होता है। देखिए, यह जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। 3 सप्ताह नहीं बल्कि औसतन 2 सप्ताह का गैप होता है। तो जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। दूसरा कह रहा है
कि भारत में चुनाव कानून के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र में 95 लाख से अधिक खर्च नहीं कर सकता है। जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह सही है, यानी कि प्रश्न कह रहा है कि सही कथन का चयन करें, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात केवल और केवल 2। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है आदर्श आचार संहिता से संबंधित। आदर्श आचार संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का, इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है। पहला कह रहा है कि इसके मुताबिक कोई भी पार्टी या उम्मीदवार किसी भी पूजा स्थल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा स्टेटमेंट है कि इसके मुताबिक यानी कि आदर्श आचार संहिता के अनुसार हर पार्टी या उम्मीदवार चुनाव के लिए सरकारी वाहन विमान और अधिकारियों का इस्तेमाल कर सकता है। देखिए दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। अब प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न में आखिर क्या पूछ रहा है। प्रश्न कह रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह सही है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 91 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला कह रहा है कि हमारे देश में चुनाव कराना चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य है, बिल्कुल सही। दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह भी सही है। प्रश्न कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1 एवं 2 दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट 92 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करना है। पहला कह रहा है चुनाव ड्यूटी पर सरकारी अधिकारी सरकार के नहीं बल्कि चुनाव आयोग के नियंत्रण में कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि चुनाव आयोग चुनावों के संचालन और नियंत्रण पर निर्णय लेता है, यह भी सही है। प्रश्न कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1 एवं 2 दोनों जो कथन है वह सत्य है। नेक्स्ट 93 नंबर प्रश्न है लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति की आयु इससे कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्रश्न सीधे शब्दों में कह रहा है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होना आवश्यक है। तो देखिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना आवश्यक है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 94 नंबर प्रश्न है व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में समानता लाने का लक्ष्य रखने वाला कट्टरपंथी महिला आंदोलन निम्न में से किस नाम से जाना जाता था, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात इस प्रकार के जो आंदोलन किए जाते थे उन्हें नारीवादी आंदोलन के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 95 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिए जो 95 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम यह प्रावधान करता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, तो समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 द्वारा किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 96 नंबर प्रश्न है जब एक धर्म की मान्यताओं को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो इसका परिणाम क्या देखने को मिलता है। तो देखिए सपोज किसी धर्म को दूसरे धर्म से हम श्रेष्ठ बताएंगे तो समाज में सांप्रदायिकता की भावना में वृद्धि होगी, यानी कि एक धर्म का दूसरे धर्म से अलगाव की भावना में वृद्धि होगी, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सांप्रदायिकता। नेक्स्ट 97 नंबर प्रश्न है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसका क्या अर्थ है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं, यानी कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं, राज्य सभी धर्मों को समान रूप से देखेगा, तो इसके आधार पर हम लोग ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी कि भारतीय राज्य के लिए कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है राजनीतिक दल मतदाताओं की जाति संरचना को ध्यान में रखते हैं और विभिन्न जातियों से उम्मीदवारों को नामांकित करते हैं ताकि, देखिए राजनीतिक दल द्वारा जो ऐसे कार्य किए जाते हैं वो मुख्य रूप से चुनाव जीतने के लिए कार्य किए जाते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 99 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय राज्य के लिए कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और हमारा संविधान भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है, यानी कि पहला नंबर जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है संविधान राज्य को किसी भी मामले में धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता है। देखिए
प्रश्न कह रहा है कि धर्म किसी भी मामले में, तो किसी भी मामले में धर्म के मामले में राज्य को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता है। यह जो स्टेटमेंट है वह गलत है, क्योंकि यदि धर्मों के अंदर समानता का सिद्धांत नहीं होगा तो इस आधार पर जो राज्य है वह धर्म समूह के किसी भी प्रकार के नियम में हस्तक्षेप कर सकता है, यानी कि समानता का उल्लंघन होने पर राज्य द्वारा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सिर्फ पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह सही है। नेक्स्ट 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला नंबर जो स्टेटमेंट है कि जातिवाद इस विश्वास में निहित है कि यह सामाजिक समुदाय का एकमात्र आधार है, बिल्कुल सही है। दूसरा, राजनीतिक दल मतदाताओं की जाति संरचना को ध्यान में रखते हुए ही चुनावों में उम्मीदवारों का चयन करते हैं, यह भी सही है, यानी कि प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एक एवं दो दोनों ही जो कथन है वह सही है। नेक्स्ट 101 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक दल का प्रमुख घटक नहीं है। देखिए, जो मतदाता वह किसी भी राजनीतिक दल का प्रमुख घटक नहीं होता है, क्योंकि मतदाता सपोज यदि कोई ए पॉलिटिकल पार्टी है और बी पॉलिटिकल पार्टी है, तो ए पॉलिटिकल पार्टी में यदि एक्स मतदाता है तो वही मतदाता बी पॉलिटिकल पार्टी में भी होगा, यानी कि एक राजनीतिक दल का घटक नहीं है, मतदाता किसी भी राजनीतिक दल का घटक नहीं होते, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 102 नंबर प्रश्न है, समाज का मौलिक 102 नंबर प्रश्न है, समाज का मौलिक राजनीतिक विभाजन निम्न में से किस रूप में परिलक्षित होता हुआ दिखता है। तो देखिए, समाज का जो मौलिक राजनीतिक विभाजन है वह राजनीतिक दल के रूप में परिलक्षित होते हुए दिखते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 103 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 103 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक दल का कार्य नहीं है, यानी कि जो प्रश्न और विकल्प दिए हुए हैं उसमें से कौन सा जो विकल्प है वह राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए, राजनीतिक दल किसी देश के लिए कानून बनाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही। दूसरा है, राजनीतिक दल सरकारें बनाते हैं और चलाते हैं, यह भी सही है। तीसरा, राजनीतिक दल लोगों को सरकारी मशीनरी तक पहुँच प्रदान करते हैं, यह भी सही है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त जो तीनों जो स्टेटमेंट है ए बी एवं सी, तीनों ही जो स्टेटमेंट है वह राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 104 नंबर प्रश्न है, जब बहुदलीय प्रणाली में कई पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए हाथ मिलाती हैं तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो इस प्रक्रिया को गठबंधन सरकार के रूप में जानते हैं, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 105 नंबर प्रश्न है, भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली का विकास निम्न में से किसके कारण देखने को मिलता है। देखिए, पहला नंबर स्टेटमेंट है सामाजिक विविधता, बिल्कुल सही। दूसरा है भौगोलिक विविधता, यह भी सही है। तीसरा, वैचारिक विविधता। देखिए, यदि वैचारिक विविधता की बात करें तो वैचारिक विविधता के आधार पर भारत में किसी भी प्रकार का दलीय शासन का उत्पत्ति नहीं हुआ है। तो प्रश्न कह रहा है कि भारत में बहुदलीय प्रणाली का विकास निम्न में से किसके कारण हुआ है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल और केवल सामाजिक विविधता एवं भौगोलिक विविधता के आधार पर, तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 106 नंबर प्रश्न है, किसी पार्टी को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी मानने के लिए आवश्यक वोटों का प्रतिशत निम्न में से कितना होना चाहिए, तो आवश्यक वोटों का प्रतिशत 6% होना चाहिए, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 107 नंबर प्रश्न है, राज्य पार्टी माने जाने के लिए किसी भी पार्टी यानी कि राजनीतिक दल को जीतने के लिए आवश्यक सीटों की संख्या कितनी है, अर्थात यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि सपोज यदि कोई राजनीतिक दल है उसे राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए कितने सीटें को जीतनी आवश्यक होगी, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कम से कम 2 सीटों को जीतना आवश्यक होगा, 2 सीट प्लस 6% मत प्रतिशत को 6% उसे प्राप्त करना आवश्यक होगा, तो ही उस किसी भी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट 108 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दलों के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें, अर्थात कौन सा कथन सत्य है। पहला नंबर स्टेटमेंट है, चुनाव हारने वाले राजनीतिक दलों का कार्य
सरकार की विफलताओं या गलत नीतियों के लिए आलोचना करके सत्ता में दलों के विपक्ष की भूमिका निभाना है, बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है कि राजनीतिक दल लोगों को सरकारी मशीनरी और सरकारों द्वारा कार्यान्वित कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं, यह भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि राजनीतिक दल का कार्य अन्य राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के रूप में पंजीकृत करना है। देखिए यह जो तीसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत है। यह जो कार्य है वह मुख्य रूप से चुनाव आयोग का कार्य है, अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा पहला और दूसरा नंबर स्टेटमेंट, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल एक और दो नंबर जो स्टेटमेंट है वह सही है। नेक्स्ट 109 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। प्रश्न कह रहा है कि दो दलीय प्रणाली में केवल दो पार्टियां ही चुनाव लड़ती हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि दो दलीय प्रणाली में केवल दो पार्टी यानी कि दो से अधिक पार्टियां नहीं हो सकती, तो यह जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। देखिए प्रश्न कह रहा है कि दो दलीय प्रणाली में, तो इस व्यवस्था में मुख्य रूप से दो दल की प्रधानता देखने को मिलती है। जैसे यदि ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में मुख्य रूप से दो दलों की प्रधानता देखने को मिलती है, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य छोटे दल भी वहां विद्यमान है। तो पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह पूरी तरह से गलत हो गया। दूसरा नंबर स्टेटमेंट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक दलीय शासन प्रणाली का उदाहरण है, तो बिल्कुल गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी मुख्य रूप से दो दल देखने को मिलते हैं, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो एक और नहीं दो, अर्थात दोनों जो कथन है वह गलत है। नेक्स्ट 110 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 110 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। कौन से कथन सही है? पहला, बहुदलीय प्रणाली में सरकार विभिन्न दलों द्वारा एक गठबंधन में मिलकर भी बनाई जाती है, बिल्कुल सही, जिसे कि गठबंधन सरकार के नाम से भी जानते हैं। और यदि भारत में बात करें तो 1990 के उपरांत भारत में मुख्य रूप से गठबंधन सरकार की उत्पत्ति देखने को मिलती है। दूसरा कह रहा है, भारत ने अपनी सामाजिक विविधता के कारण ही भारत में बहुदलीय प्रणाली को विकसित की है। दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वह पूरी तरह से गलत हो गया। तीसरा, एक मोर्चा तब बनता है जब बहुदलीय प्रणाली में कई दल चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने के लिए हाथ मिलाते हैं, यह भी सही है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल और केवल एक और तीन। नेक्स्ट 111 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला नंबर स्टेटमेंट है कि किसी पार्टी को राज्य पार्टी के रूप में मान्यता पाने के लिए उसे राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6% वोट हासिल करना और कम से कम 4 सीटें जितनी आवश्यक है। देखिए पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। यह 6% मत प्राप्त करना बिल्कुल आवश्यक है, लेकिन उसे कम से कम 4 सीटें नहीं बल्कि 2 सीटें जितनी उसी आवश्यक है। तो जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होने के लिए लोकसभा चुनाव या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 7% वोट हासिल करना होगा और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जितनी आवश्यक होगी। यह जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह भी गलत हो गया, क्योंकि यह 7% नहीं बल्कि 6% उसे मत प्राप्त करना आवश्यक होगा और कम से कम 4 सीटें जितनी आवश्यक होगी। तीसरा स्टेटमेंट, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना भारत निर्वाचन आयोग का कर्तव्य है, या जो तीसरा नंबर स्टेटमेंट है वह बिल्कुल सही है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात केवल और केवल 33। नेक्स्ट 112 नंबर प्रश्न है, किसी पार्टी यानी कि दल को राज्य पार्टी के रूप में तब मान्यता प्रदान की जा सकती है जब वह ऑप्शन नंबर एक, यह संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में राज्य के कुल वैध मत का 6% सुरक्षित रखता है, बिल्कुल सही। दूसरा, वह संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में 2 विधानसभा सीटें जीतता है, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है, यह संबंधित राज्य की लोकसभा के आम चुनाव में राज्य के कुल वैध वोटों का 4% हासिल करता है, बिल्कुल गलत, यह 6% यहाँ होना चाहिए था। तीसरा, यह संबंधित राज्य के लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल
वैध वोटों का 6% सुरक्षित रखता है। देखिए यह है संबंधित राज्य, यदि संबंधित राज्य की बात करें तो यह जो चौथा नंबर स्टेटमेंट है वह भी गलत हो जाए, क्योंकि लोकसभा में 6% संपूर्ण देश भर से उसे कुल वैध मत का 6% प्राप्त होना चाहिए। तो इसके आधार पर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात केवल और केवल पहला नंबर और दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 113 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र निम्न में से किसके आधार पर आधारित है? तो भारत में यदि लोकतांत्रिक प्रणाली की बात करें तो मुख्य रूप से राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 114 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र दूसरे की तुलना में सरकार का एक बेहतर रूप है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए देखिए, यह सभी को रोजगार के अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर बी है कि यह विभिन्न धर्मों के मध्य समानता को प्रोत्साहित करता है, यह भी गलत। तीसरा है कि यह कल्याणकारी नीतियों को बढ़ावा देता है, देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है वह भी गलत है, क्योंकि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही सिर्फ कल्याणकारी नीतियों को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है कि यह व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 115 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से, यानी कि जो विकल्प दिए हुए हैं उस विकल्प में आधारों पर निम्न में से कौन लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक को बहुमत में होने का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल सही। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 116 नंबर प्रश्न की तरफ अब देखिए, यदि 116 नंबर प्रश्न की बात करें तो 116 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। पहला नंबर जो स्टेटमेंट है कि लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के विचार पर आधारित होता है, पहला नंबर बिल्कुल सही। दूसरा, लोकतंत्र राजनीतिक समानता पर आधारित होते हैं जहाँ की प्रतिनिधियों को चुनने में केवल अमीरों को समान महत्व मिलता है। देखिए यह जो दूसरा नंबर है वह गलत हो गया। यदि भारत की बात करें तो भारत में भी यद्यपि लोकतांत्रिक शासन भारत में भी लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है, और भारत में यदि लोकतांत्रिक प्रणाली को उपरांत यदि मतदान की बात करें तो भारत में मतदान भारत के सभी नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो जो दूसरा नंबर विकल्प कह रहा है कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता पर आधारित होते हैं जहां की प्रतिनिधियों को चुनने में केवल अमीरों को समान महत्व मिलता है, तो दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। तीसरा नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कि लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल सही। चौथा नंबर स्टेटमेंट है कि लोकतंत्र नियमित और स्वतंत्र चुनाव स्थापित करने में असफल रहे हैं। देखिए यह जो चौथा नंबर स्टेटमेंट है वह भी गलत है, क्योंकि यदि भारत में बात करें, भारत का उदाहरण के रूप में यदि हम बात करें तो भारत में जो लोकतंत्र है वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में सफल रहा है, यानी कि चौथा नंबर स्टेटमेंट है वह भी गलत हो गया। प्रश्न कह रहा है कि ऊपर दिए गए कौन से कथन सही है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक एवं थ्री। अब इसके आधार पर यदि विकल्प को सिलेक्ट करें तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 117 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए सही कोड का चयन करें, अर्थात उपयुक्त स्टेटमेंट दिए हुए उस पर विचार करना है और सही स्टेटमेंट का चयन करना है। पहला कह रहा है कि जब नागरिकों के साथ जानकारी साझा करने की बात आती है तो लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं होता है, तो यह जो पहला नंबर स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि एक लोकतांत्रिक सरकार लोगों की अपनी सरकार होती है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एक और दो दोनों जो कथन है वह सही है। नेक्स्ट 118 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत कथन का चयन करें। पहला ऑप्शन है कि लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र बना रहता है जब तक कि महिलाओं को किसी भी समय बहुमत में शामिल होने का मौका मिलता है, पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र ने वंचित और भेदभाव वाले वर्गों के समान दर्जे और समान अवसर के दावों को मजबूत किया है, दूसरा नंबर भी जो स्टेटमेंट है वह सही है। तो प्रश्न कह रहा है कि ऊपर दिए गए कौन से कथन सही है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो उपरोक्त दोनों जो कथन है वह सही है। नेक्स्ट 119 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संरचना, उनकी नियुक्ति और निष्कासन के संबंध में विस्तृत प्रावधान किया गया है? तो देखिए
यदि संविधान के भाग में संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात संविधान का भाग 14 में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का उपबंध किया गया है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि अन्य विकल्प की बात करते हैं तो जो ऑप्शन नंबर ए है जिसमें कि भाग 11 की बात की गई है, तो भाग 11 में मुख्य रूप से विधायी और प्रशासनिक संबंध यानी कि केंद्र राज्य संबंध का वर्णन, भाग संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध का वर्णन किया गया है। अब यदि ऑप्शन नंबर बी की बात करें, भाग 14 जिसमें कि संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित सारे प्रावधान का वर्णन किया गया है, इसी प्रकार से यदि भाग 16 की बात करें तो देखिए भाग 16 में कुछ स्पेशल वर्गों के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा यदि भाग 20 की बात करें तो भाग 20 आप सभी जानते होंगे कि भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संरचना, उनकी नियुक्ति और निष्कासन के संबंध में विस्तृत प्रावधान है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 120 नंबर प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति माननीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 121 नंबर प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण माननीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु कितनी है जब तक कि वे अपने पद पर बने रह सकते हैं? यानी कि प्रश्न कह रहा है कि UPSC के अध्यक्ष और सदस्य अधिकतम कितनी वर्ष की उम्र तक वह अपने पद पर बने रह सकते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अधिकतम वह 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। नेक्स्ट 123 नंबर प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंपता है? तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा माननीय राष्ट्रपति को सौंपते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 124 नंबर प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी कि कौन सा कथन जो है वह गलत है? ऑप्शन नंबर एक है कि यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। बी, संविधान के अनुच्छेद 318 से 323 तक UPSC के कार्य और शक्तियों की परिकल्पना की गई है। देखिए यह जो ऑप्शन नंबर बी है वह गलत होगा, क्योंकि यह 318 नहीं बल्कि 315 से है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि 125 नंबर प्रश्न की बात करें तो 125 नंबर प्रश्न भी संघ लोक सेवा आयोग से ही संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्षों को निम्न में से किसके आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है? पहला है दिवालिया घोषित होने पर, बिल्कुल सही। दूसरा, दुर्व्यवहार साबित होने पर, यह भी सही है। और तीसरा, यदि काम करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाए, यह भी सही, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट 126 नंबर प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट निम्न में से किसे प्रस्तुत करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वे अपनी वार्षिक रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 127 नंबर प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन, पेंशन और उनके भत्ते निम्न में से किन आधारों पर वहन किया जाता है, या निम्न में से कौन वहन करता है? तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भारत की समेकित निधि। नेक्स्ट 128 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य को उपबंध करता है, यह भी सही है। और ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी। देखिए तो जो ऑप्शन नंबर डी है वह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वह गलत है, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की यदि बर्खास्तगी की बात करें तो इससे संबंधित जो आर्टिकल है वह है 327 और लोक सेवा
आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी का वर्णन किया गया है आर्टिकल 327 में, लेकिन जो अनुच्छेद 322 है वह लोक सेवा आयोग के सदस्यों पर व्यय की बात करता है। जी अनुच्छेद 322 की बात करें तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों पर जो व्यय किए जाते हैं उनकी उपबंध करता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 128 नंबर प्रश्न की तरफ अब चलते हैं। देखिए सॉरी 129 नंबर, जो 129 नंबर प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किनके द्वारा की जाती है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 130 नंबर प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में है, राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी, संविधान में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 होगी, यह गलत है, ऐसा कोई उपबंध नहीं किया गया है। सी में है कि राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार है। देखिए जो ऑप्शन सी है वह गलत है, यह अधिकार राज्यपाल को नहीं बल्कि माननीय राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वह गलत है, राज्यपाल सिर्फ उन्हें निलंबित ही कर सकता है। राज्यपाल द्वारा सिर्फ सदस्यों या अध्यक्षों को निलंबित किया जा सकता है, जबकि हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी भी है वह गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, यह जो डी है वह भी गलत है, क्योंकि केंद्रीय लोक सेवा यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष सदस्य हैं वह 65 वर्ष की उम्र तक रह सकते हैं, जबकि यदि राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य 62 वर्ष की उम्र तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या माननीय राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 131 नंबर प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्यागपत्र निम्न में से किसे सौंपते हैं। तो यदि त्यागपत्र की बात करें तो रिजाइन माननीय राज्यपाल को प्रदान की जाती है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 132 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद राज्य लोक सेवा आयोग के सेवानिवृत्त अध्यक्ष द्वारा धारण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए में है किसी अन्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यह प्रश्न कर रहा है कि धारण नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन ए बिल्कुल धारण किया जा सकता है। दूसरा है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, बिल्कुल सही। तीसरा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, बिल्कुल सही। लेकिन जो चौथा नंबर है कि किसी अन्य राज्य में लोक सेवा आयोग के पदेन सदस्य, देखिए यदि किसी राज्य का लोक सेवा आयोग का जो सदस्य अध्यक्ष है वह यदि सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो वह किसी अन्य राज्य में लोक सेवा आयोग का सदस्य नहीं बन सकते। सदस्य के अलावा वह उसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य और संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 133 नंबर प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते एवं उनके पेंशन का भार निम्न में से किस पर आधारित होता है। तो मुख्य रूप से राज्य की संचित निधि से प्रदान की जाती है, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 134 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 312 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान। तो देखिए यह अनुच्छेद 312 नहीं बल्कि अनुच्छेद 315 में यह उपबंध किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 135 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की आधिकारिक भाषा से संबंधित है। तो यदि संघ की आधिकारिक भाषा से संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो वह है अनुच्छेद 343। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 136 नंबर प्रश्न है, संविधान के प्रारंभ से कितने वर्षों की अवधि तक अंग्रेजी का प्रयोग भारतीय संघ की सहयोगी राजभाषा के रूप में किया जाता रहा। तो देखिए संविधान के लागू होने के उपरांत 15 वर्षों तक अंग्रेजी का भारतीय संघ की सहयोगी राजभाषा के रूप में उपयोग किया जाता रहा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 137 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों की आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची
शामिल है? तो देखिए, मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि 8वीं अनुसूची की बात करें तो मूल संविधान में 14 भाषाएं शामिल था, लेकिन वर्तमान समय में इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं, तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट 138 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में कितनी भाषाएं भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? अभी मैंने बताया कि वर्तमान समय में 22 भाषाएं शामिल हैं, लेकिन मूल संविधान में, यदि मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में इसमें टोटल 14 भाषाएं ही शामिल थी, लेकिन वर्तमान समय में इसमें अभी टोटल 22 भाषाएं शामिल हैं, तो प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में कितनी भाषा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 139 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं से संबंधित है? देखिए, यदि भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो जो आर्टिकल 348 है उसमें यह वर्णित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी होगी, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 140 नंबर प्रश्न है, भारत की संसद की कार्यवाही के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो भारतीय संसद की कार्यवाही के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का उपयोग किया जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपरोक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट 141 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिए, जो 141 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को केवल भाषा के आधार पर किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, तो इसका वर्णन आर्टिकल 29 में किया गया है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात आर्टिकल 29। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राजनीति में संचार की भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन एक में है, हिंदी और गैर हिंदी राज्य के बीच हिंदी संचार अंग्रेजी अनुवाद के साथ होना चाहिए, बिल्कुल सही। दूसरा नंबर प्रश्न है कि यदि एक या एक से अधिक राज्य चाहे तो वे अंग्रेजी के साथ संचार की भाषा यानी कि कम्युनिकेशन भाषा को हिंदी करने के लिए संघ के साथ समझौता कर सकते हैं, यह जो दूसरा नंबर ऑप्शन है वह गलत हो गया, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिर्फ और सिर्फ केवल 1। नेक्स्ट 143 नंबर प्रश्न है, देखिए 143 नंबर जो प्रश्न है वह फिर संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित हो गया। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सबसे पहले किस भाषा को शामिल किया गया था, यानी कि सर्वप्रथम किस भाषा को शामिल किया गया था, तो सर्वप्रथम तमिल भाषा को शामिल किया गया था, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात तमिल भाषा। नेक्स्ट 144 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभाओं को आधिकारिक उद्देश्यों के लिए 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त किसी एक या एक से अधिक भाषाओं को अपनाने का अधिकार प्रदान करता है? तो इस प्रावधान का वर्णन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 345 में, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 146 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन, देखिए प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम वर्ष किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? प्रश्न कह रहा है कि जो राजभाषा अधिनियम है उसे किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, तो राजभाषा अधिनियम को वर्ष 1963 ईस्वी में लागू किया गया था, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 146 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम में हिंदी भाषा में संविधान के आधिकारिक पाठ के संबंध में प्रावधान शामिल किया गया, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। नेक्स्ट 147 नंबर प्रश्न है, संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी के विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करने और लागू करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो इस जो यह प्रावधान है वह केंद्रीय हिंदी निदेशालय को यह कार्य दिया गया है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 148 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं शामिल थी? थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं शामिल किया गया था, जबकि यदि वर्तमान में बात करें तो वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं वह शामिल है, तो प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं शामिल थी, तो प्रारंभ में 14 भाषाएं शामिल थी, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 149 नंबर प्रश्न है कि राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राजभाषा समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है।
नेक्स्ट 150 नंबर प्रश्न है कि समसामयिक मुद्रा नोटों के भंडार में निम्न में से कितनी भाषाएं अंकित है, यानी कि वर्तमान समय में जो मुद्रा नोट है यानी कि कागज के जो नोट है उनमें निम्न में से कितनी भाषाएं अंकित हैं। तो वर्तमान समय में जो नोट है उस पर टोटल 15 भाषाएं अंकित हैं, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो यह सेशन था वह समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।